गाइस नीसा हॉस्पिटल से घर पे आ चुकी है भाई। 10 की स्पीड पे इतनी तेज चल रही है ना भाई, मेरे को डर लग रहा है इतनी तेज कैसे चला लेते हैं आप, चल नहीं हो भाई। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4th of September और हमारी शुरुआत हो रही है बहुत अच्छी खबर से कि अभी थोड़ी ही देर में हम लोग जाएंगे अपनी भाभी को स्कूटी सिखाने, बिकॉज आज कोई भी नहीं है ना घर पे, तो मैंने सोचा आज हम लोग सिखाते हैं। वैसे भी हम लोग को कहीं जाना था तो वो आते वक्त वहां से हम लोग सीख लेंगे, मतलब कि हम लोग नियर वो सीख लेगी। और फिलहाल अभी आपको एक मस्त चीज दिखाता हूं भाई। ये देखो भाई, हमारे इस रूम में जितनी भी हमारी स्टडी बुक्स थी और ये हमने बाहर निकाल दिया, बिकॉज अब मेरा दिमाग ये चल रहा है कि भाई हमने मतलब कि वो क्या कहते हैं भाई से यार पेपर तो पास कर लिया और अब ये बुक्स का कोई काम तो है नहीं, तो हमने सोचा इसे बेच देंगे, तो इसे बेच के अच्छा खासा पैसा आएगा, उस पैसे को हम रखेंगे। पैसा ही पैसा होगा। तो बस अभी तक तो फिलहाल यही आइडिया है, कुछ बुक्स निकाली इनमें सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर इन्हें बेच के अपने कॉलेज के पास बेच के आऊंगा, क्योंकि वहाँ पे सही रेट मिलता है, यहाँ पे तो कोई इतना लेता नहीं इन बुक्स को, तो वहीं बेच के आनी पड़ेगी इन्हें। और साथ ही साथ एक और काम भी था, इस टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करनी थी इन्हें और कुछ, तो उसके लिए भी इसे खाली कर दिया। देखो भाई अंदर से पूरा खाली पड़ा है, मगर ये दोनों चीजें तो भाई ये लोग शाम को करेंगे, और फिलहाल अभी हम लोग चलते जहाँ हमें काम से जाना था, वो पर्सनल काम है थोड़ा, तो वहाँ से जाएंगे और आते वक्त फिर हम लोग अपनी भाभी को स्कूटी सिखाएंगे। गाइस अभी हम लोग आ गए थे भाई स्कूटी सिखाने के लिए यहाँ पे, और देखो भाई स्कूटी, आज मेरा नंबर लग गया स्कूटी सिखाने का, पता नहीं कैसे, बहुत दिल धक-धक हो रहा है, कहीं ठुक उठ ना जाए भाई। बड़ी मुश्किल से हम लोग ड्राइवरी चला रहे हैं, इनको देखो भाई कितने की स्पीड पे है, 10 की स्पीड भाई, 10 की स्पीड पे इतनी तेज चल रही है ना भाई, मेरे को डर लग रहा है इतनी तेज कैसे चला लेते हैं आप। गजब बेइज्जती है। कहाँ से इधर से नहीं जाना था। कोई नहीं भाई, जहाँ से जाओ वहाँ से तुम्हारी बस एक्सीडेंट ना हो जाए बस, वरना हालत खराब हो जाएगी। मोड़नी आती है, मोड़नी सिखाऊं, देख के लड़कियों का यही चक्कर है भाई, हल्का सा मोड़ आता ना पैर लगा लेते नीचे। भाई आज हम गलियों में प्रैक्टिस करा रहे थे, गलियों में कैसे मोड़नी होती, कैसे क्या करना होता है, आज इसकी प्रैक्टिस थी, कल किसी और चीज की होगी, आज वो टीचर नहीं आना था, आज मैं ही, तो मैंने सोचा मैं ही प्रैक्टिस करा दूं। मैं तो उतर गया भाई, रिस्क है, ऊपर भी नहीं चढ़ रही यार स्कूटी, देखो कैसे चला रही है भाई। अच्छा वो घर भी ऊपर भी चढ़ानी है अभी, तो भाई घर के अंदर भी डाल के देनी है स्कूटी, कोई नहीं जाते रहो। गाइस इनकी स्कूटी घर पे पार्क लगा दी और अब ये बाहर आने जा रही है, घर में कोई काम तो है नहीं। चुप रहना भाई। नहीं ये घर में बैठ जाओ। आ रहा हूँ। गाइस घर पे तो स्कूटी पार्क कर दी, बट मुझे ना फिर से चोरी का मौका मिल गया, तो हमने सोचा क्यों ना भाई थोड़ी चोरी कर ली जाए, क्योंकि चोरी करना हमारा जुनून है, हमारा घर का हक है, तो हमने सोचा थोड़ी चोरी कर ली जाए। What is this? This is Mosami. I don't like Mosami. Guys, कुछ नहीं मिला चोरी के लिए, अब चलते अपने घर, अपने घर जाके करेंगे रेस्ट। अभी शाम हो चुकी है और आज भाई आज मौका मिला मुझे नहीं सकता ब्लॉग बनाने का, मगर क्यों, बिकॉज इतनी देर के भाई मेहमान बैठे थे, मेहमान बैठे इतनी देर का, मैं सोच रहा था कब आऊं। क्यों भेड़ बैठा रखा था तूने मेहमान को, मेरी मर्जी है। गाइस जिसके साथ हम ज्यादा पंगे नहीं ले सकते, दूर दूर से बात करेंगे आज, तो करना भाई मेरा तो हाथ चल जाते हैं, आज दूर खड़े बात करना पड़ेगा, है ना, कोई नहीं दूर खड़े होकर कर लेंगे इनसे, तो इनके ऊपर तो चला सकते हैं हम हाथ। बोल लो कुछ, क्या बोलना नहीं चाहते ना तुम? नहीं, डॉक्टर ने बोलने के लिए मना करा है। गाइस इसे ज्यादा बोलना भी नहीं है, वरना ये ज्यादा बोलेगी ना फिर इसके पेट में दर्द हो जाएगा। चल तू क्यों मुस्कुरा रही है, तू क्यों मुस्कुरा रही है? अच्छा ये तो बता क्या देखे गए मेहमान? अब आए ना लाइन पे, कुछ नहीं देखे गए, कुछ तो देखे गए हैं, चीज चूज कुछ तो मिली होगी, कुछ तो मिली होगी। झूठ बोल रही है। क्या लाया निशा तेरे लिए मेहमान? पेशेंट के लिए आता ना, कोई ना कोई चीज जरूर लाते, इतना मुझे पेशेंट से पूछ के लाए होंगे। नहीं लाए कुछ है निशा, नहीं लाए, चलो कोई नहीं, नहीं लाए होंगे सच्ची में मुच्ची में। अरे हाँ भाई हाँ, आज सफल नहीं हो पाई। क्या लगा आज तूने, जलन हो रही है, मुंह भाई आंख नहीं खुल रही मेरी, इसका धुआं आंख में लग गया, जलन हो रही है, फिर इसका धुआं तो आंख में जा रहा है ना। दे अब कहाँ से आए, अभी तो तू कह रही थी भाई कुछ नहीं लाए, बहुत दिक्कत, आंखें भी नहीं खुल रही यार, मुंह लगा दी इसने ठंडा ये दिया इसने, ये क्यों भाई मुझे क्या दिक्कत है, और कोई सेब नहीं मिला, धोने दे। चलो भाई बदला पूरा हुआ, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। सारा दिन भाई, सारा दिन, सारी रात इनको चाहिए बस। क्या दिखा रही है भाई, देखते हम भी, बादाम बादाम कच्चा बादाम कच्चा कच्चा बादाम। और भाई क्या हाल है, तेरे को एक मिशन देता हूँ, कर देगा, चलो बताऊंगा, करना पड़ेगा, अमन को कच्चा उतार दे जा। अरे वाह गुड आइडिया। मैं खड़ा क्यों टेंशन ले रहा,
तू टेंशन मत लिया कर, बस टेंशन नहीं लेने का, सब कर देने का लेकिन टेंशन नहीं लेने का। ओके ओके प्लान बनाना है तुमको, प्लान बनवाएगी भाई, तुम्हारा प्लान बनवाएगी, बताओ प्लान बताओ। उसकी आंखें बंद करवाऊंगा और तू पीछे ऐसे आकर ना उसके आंखों पर हाथ रख ले, मैं उसका पीछा उतार दूं। ठीक है आ जाओ। और नमन क्या हाल है? बात किससे करनी है? एक काम नहीं कर से ढंग से होता। बच बे तू कैसे घूर घूर के देख रही है टुकुर टुकुर हमको? हम टुकुर टुकुर नहीं। क्या हाल आपके? तुम तो ना ही समझ, मैं तो बहुत दिनों बाद दिख रहा है यार, आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था तभी हम तुम्हारे पास चले आए। अरे चुप, क्या वॉइस है, क्या हुआ? नींद से उठा है। अच्छा नींद से उठा है, उठने का टाइम है? मेरा भी। तू भी उठी है, उठने का टाइम है? तू तड़ाते अच्छा बिगाड़ देगी तू, हाँ हंस हंस हंस, मैं मारूंगा तो भी हंसेगा, हंस। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। हर भाई कच्चा बादाम। लगता है प्यारी समझ गई। सब बस गाइस आज हम दोनों ही घूमने जा रहे हैं, बिकॉज भाई उन दो वो दोनों तो आए नहीं, उन्हें बुलाया, कह रहे हम नहीं आए, हमारी टांगे दर्द हो रही है, बट हमारी नहीं हो रही है ना। चलो फिर चला चले, अब यहाँ बैठा भी तो ऐसे ही घर भी बैठेगा, आजा रख हाथों में हाथ, चले हम साथ साथ। वाह वाह का शायरी है, का शायरी है यो। आजा रजान ना दिमाग खराब, आजा भी चल फिर साथ में ही चलेंगे। घर पहुँचने के पश्चात गाइस अभी फिलहाल मैं वापस से घूम फिर के अपने रूम पे आ चुका हूँ, और तुम्हें एक बात बतानी थी कि भाई आज मेरी मम्मी घर पे नहीं, बिकॉज आज किसी की डेथ होगी ना तो मेरी मम्मी वहाँ पे गई है, तो अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, पता नहीं कितने देर में आएगी, उसी वजह से आज मेरे भाई ने खाना रेडी किया है जो भी है ये। बाकी अब फिलहाल मुझे भी थोड़ा बहुत काम है तो मैं इस ब्लॉग को कर रहा हूँ पेन, बिकॉज अब मैं अपना काम करूँगा जो मुझे पसंद काम है, तो इस ब्लॉग को कर देते हैं पेन। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक मार देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब मार देना यार। सो गाइस मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।